ट्रेन ना चली जाए। एसीपी प्रद्युमन को ये चावल देने हैं। ये एसीपी प्रद्युमन कौन है? सबका बाप है। पर तुझे मारा किसने? बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो। चली चल वरना ट्रेन चली जाएगी। ये खून कैसे लगा? तुम मुंबई जा रहे हैं ना? हाँ, पर तुझे क्या हुआ? खून कैसे लगा तुझे? मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं जा जा। मुझे बता तो सही, हुआ क्या है? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। ले ले। क्या है मुझे? उस बातें का क्या है? इसे इस भी प्रद्युमन तक पहुंचा देना। एसीपी प्रद्युमन? यस, प्रताप सिंह सिसोदिया। यस सर, वेलकम टू राजस्थान, वेलकम टू जोधपुर, भले पधार। सर हुनियो, आप चावल और टुकड़ा बम्बई जोधपुर लेना है? बिट्स एंड पीसेस ऑफ राइस। वो टुकड़े यहीं से भेजे गए हैं, जोधपुर से। यहीं से? अट्टे हो? हाँ सर। चावल और टुकड़ा मतलब जोधपुर लिखा? इज इट रिटन जोधपुर? जी नहीं, उन टुकड़ों पर लिखा है 11:30 बजे आकर मिलो। सर चावड़ों के टुकड़ों पर लिखने की जरूरत ही किधर थी? फोन करके सीधा सीधा बता देते। फोन पे ये बात नहीं हो सकती थी। चावल पे खून लगा हुआ है और एक ऑफिसर की मौत हुई है। पकेट लेकर 11:30 बजे विंड मिल पे मिलो? देखा, लेकिन समझो आपका ये केस सॉल्व हो गया। इतने जल्दी? यस, हम भी कुछ कम नहीं है। चावड़ों पे लिखने वाले आदमी जैसलमेर में ही दिखाई देते हैं। जोधपुर में नहीं दिखाई दे, जैसलमेर में ही होते हैं। श्योर? 16 नहीं सच। एक और बात प्रद्युमन साहब। क्या? चावड़ों पर जो विंड मिल्स बनाई है वह जैसलमेर में ही है। दिस विंड मिल्स आर ओनली इन जैसलमेर। जैसलमेर में ही है? हाँ सर, मेरे ख्याल से आप फटाफट जैसलमेर चलो और कल से तहकीकात शुरू करो। सर तुम एक गाड़ी लेके जाओ और विंड मिल्स के आसपास ढूंढो। और ये लो, ये आज का दैनिक भास्कर पढ़ो, इसमें विंड मिल्स के बारे में कुछ लिखा है। सबसे ज्यादा बिकने वाला यही पेपर है यहाँ पर। तब तक हम लोग चावल पर किसने मैसेज लिखा है उसे ढूंढते हैं। ओके सर, चलो फैल जाओ जैसलमेर की गलियों में। इथ चावलों से नाम लिखने वाला कोई होई? चावल पीछे वाली गली में चैनपुरा है, वहाँ पे गणपत चावल वाला है। एक दिन में 50 चावल पे नाम लिखता है, इतना होशियार है। मैं आड़ो नाम लिख सके? एक सेकंड भी नहीं लगाएगा वो। उठे मंदिर से डाबो जाओ, पछे आगे जाओ, उठे गली रे मायने एक चावल वालों बैठो है। चावल पर नाम लिखाने वाला कोई होए? हाँ, गपुरेर गली में एक चावल माते नाम लिखने वाला है। We'll be right back.
सारो थोंज लिखियो ही नहीं। एक आदमी सोईच लिखवायो, मैं तो कारीगर हूं सा, अठे तो घणा ही ग्राहक आवे, सबरो पत्तो ठिकाणो थोड़ी राखा। कितना अच्छा लिखा है आपने ये, किसने लिखवाया था ये? अब मने तो ठा कोनी सा, मने तो खयो जी को मैं लिख दियो, और वही अभी मुंह तो सिर्फ 3 चावल लिखे हूं सा। दक्ष, उस आदमी ने इन 3 लोगों से अलग अलग चावलों पे लिखवाया है। भाई साहब, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्या आप उसका फोटो बना सकते हैं? अब मैं कोशिश कर सकूं सा। देखो, वो आदमी ऐसा ही दिखता था। हाँ, यही है वो, ऐसा ही दिखता। हाँ दया सर, सर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक पपेट है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पकड़ लूँ उसे? दया, उस आदमी का स्केच बन गया है, मैं तुम्हें अभी उसका हुलिया भेज देता हूँ। हाँ भाई, एकला हुआ, किसी का इंतजार हो रहा है क्या? ओ हुकुम, म्यालो वेली आवाने वालो ही, थे चिंता मत करो। चलो तुम्हारी शक्ल देख लेते हैं। इकी करो इजाद, त्याड़ी सेवा कर। सेवाड़ी अड़ी की तड़ी। जाएगा कहां तू? तू बच नहीं सकता। संभाल के साहब, गिर जाएगा, सारे मर जाएंगे। ऊपर चल। संभाल के साहब, संभाल के साहब,
गिरेगा सब मर जाएंगे सब। ओह माय गॉड, यूरेनियम बम बनाने ले जा रहा था तू? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कुछ भी नहीं मालूम। एक लड़की आने वाली थी लेने के लिए से। कौन सी लड़की? एक सेकेंड, ये फोटो दिया था उसने, ये फोटो दिया था साहब। कौन है ये लड़की? सर, इस यूरेनियम से जरूर कोई बॉम्ब बनाने वाला था, न्यूक्लियर बॉम्ब। यूरेनियम जैसी खतरनाक चीज तुम्हारे हाथ में कैसे आई? मुझे कुछ नहीं मालूम हमको। तुम्हारे हाथ में किसने दिया ये फ्लास्क? मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ। कहाँ मिला था ये आदमी तुम्हें? बस ऐसे ही आ गया था और ढूंढता ढूंढता। कहाँ पे? मेरे घर पे। फिर छोड़। वो आदमी थारे छुपाई क्यों आया? भाई उस लड़की का क्या हुआ? वो नहीं आई वहाँ पे यूरेनियम लेने के लिए? मालूम नहीं सर, हम तो इसके पीछे भागे थे, शायद आई होगी। वो लड़की कौन है? कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे सिर्फ ये फोटो दिया था, बोला था 11:30 बजे लड़की आएगी, इसे ये यूरेनियम दे देना। वो लड़की कौन है? मालूम नहीं हमको, मालूम नहीं। देख, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, बता वो लड़की कौन है? याद है कौन है? मुझे कुछ नहीं मालूम हमको, लड़की कौन है? दे सर वो फोटो दिखा। कुछ प्रिंट किया हुआ है, शिव आर्ट स्टूडियो। हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से आए हैं। जरा देखिए, आप इस लड़की को पहचानते हैं? ये फोटो आपके स्टूडियो में ली गई है। ये तो गंधारी है, जज साहब की लड़की। जज साहब की लड़की है? हाँ, एक रिटायर्ड जज है, राजा राव साहब, उनकी लड़की है। कहाँ पर रहते हैं जज साहब, मालूम है? डायमंड होली रोड पर। प्रद्युमन साहब, सोचा कि रिटायरमेंट के बाद जैसलमेर में ही रहेंगे, बहुत बढ़िया जगह है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो बस रह रहे हैं आप। मैंने कोर्ट कचहरी के चक्कर में काफी पुलिस वाले देखे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पता नहीं आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब ये अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे कर सकते हैं? सिसोदिया जी, मैंने आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है, आप काफी चालू आदमी हैं, बहुत पहुंची हुई चीज हैं आप। मारी छोड़ो जज साहब, आप अपनी इज्जत बचाइए। क्या मतलब? इसे देखिए, इस फोटो को पहचानते हैं आप? ये तो मेरी बेटी की फोटो है, आप लोगों को कहां से मिली? देखा, मैं कहो तो नहीं, आज आपकी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। ओ यू शट अप सिसोदिया, तुम तो जैसे अपनी इज्जत अपने सर पे लिए घूमते हो। जज साहब, हमारा एक ऑफिसर यहाँ पर काफी दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, स्मगलरों ने उसे मार दिया है। जानते हो स्मगलर क्या चुरा कर ले जा रहे थे? यूरेनियम। पर यूरेनियम का मेरी बेटी से क्या मतलब? जो आदमी पकड़ा गया है उसके पास थी ये फोटो, वो आदमी यूरेनियम इस लड़की को देने वाला था। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसने भेजा है आपको? आपकी बेटी घर में है? नहीं। कहाँ गई है वो? बाजार गई है कुछ फर्नीचर और ब्रास आइटम्स देखने के लिए। क्या करती है आपकी बेटी? वो दिल्ली में रहती है, एक महीना पहले आई है यहाँ, यहाँ से पुराना फर्नीचर खरीद के एक्सपोर्ट करना चाहती है। फर्नीचर वर्नीचर कुछ नहीं, कुछ और एक्सपोर्ट करती होगी। सिसोदिया, अगर तुमने फिर से मुंह खोला तो... दुकान में गई है आपकी बेटी फर्नीचर देखने के लिए? रेक्स फर्नीचर एक्सपोर्ट। रेक्स फर्नीचर एक्सपोर्ट। ये दुकान किसकी है? जनार्दन साहब की है, मैं तो यहाँ पे मैनेजर हूँ। रिटायर्ड जज साहब की बेटी गांधारी यहाँ आई थी। ओह, वो गायब हो गई है क्या? हाँ। ओह, मुझे पता था, एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। मैंने अपने बॉस से कहा भी था कि उसे बात मत करो। क्यों? यहाँ पे काफी उल्टे सीधे लोग आते थे उसे मिलने के लिए, बहुत खतरनाक दिखते थे। वो आज यहाँ आई थी या नहीं? वो तो यहाँ 15 दिन से नहीं आ रही है। अल्लाह। जज साहब, आपकी बेटी के पास मोबाइल फोन? हाँ है, पर पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। जज साहब, हमें कुछ और भी बातें पता चली है आपकी बेटी के बारे में। आपने तो हम लोगों की पूरी लाइफ हिला के रख दी है, भगवान करे आप जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ निकले।
आपकी बेटी वापस कब आती है? इस टाइम तक तो आ जाती है, उसे आ जाना चाहिए था। फिर से फोन लगा के देखें। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ पर अचानक फोन बंद हो गया है। फोन बंद है इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। लगता है वो आ गई, मैं जाती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर बैल किसने दबाई? अरे ये ऊंट कैसे आ गया यहाँ पे? अरे इसके गले में दुपट्टा, ये दुपट्टा तो मेरी बेटी का है। अरे ये तो खून से भरा हुआ है। ये इस पर खून लगा हुआ है। सीआईडी कॉप से कहो कि वो फौरन यहां से चले जाए। जोधपुर स्टेशन से 5 बजे की ट्रेन है, सीआईडी उसी ट्रेन से फौरन मुंबई चली जानी चाहिए, वरना तुम्हारी बेटी जिंदा वापस नहीं आएगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। जब मेरी बेटी वापस आ जाएगी तो मैं भेज दूंगा उसे आपके पास। प्लीज जाइए। देखिए जज साहब, हम ऐसे मैदान छोड़कर नहीं भाग सकते। हम आपकी बेटी को छुड़ा कर लाएंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे वो लोग मार दे मेरी बेटी को। आप जाइए यहाँ से प्लीज। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है अटल, वो यूरेनियम चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं जाइए? तो ठीक है, बैठिए यहाँ मेरे सर पे और चलिए मेरे साथ मेरी बेटी की लाश उठाने के लिए टेंट्यूल पे। अच्छा ठीक है, पहले आपकी बेटी सही सलामत घर वापस आनी चाहिए। केस भी तो होता ही नहीं। हम लोग जाते हैं। चलो भाई, चलो सब लोग। अरे सर, लेकिन यूरेनियम का क्या होगा? अरे छोड़ो यूरेनियम विरेनियम, थोड़ा सा चुरा लिया तो क्या हो गया? लोग इस तरह से कैसे जा सकते हैं? शायद वो लड़की वापस आए ही नहीं। हाँ, फिर भी आप जा रहे हैं सर? हाँ सर, हम जा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। सर ये लड़की मिली हुई है टेररिस्ट से। ये जो दुपट्टा भेजा गया है हो ना हो उस लड़की ने ही भेजा। हाँ, टेररिस्ट को लगता है कि एक धमकी दी और प्रद्युमन दुम धबा के भाग जाएगा। नादान है बेचारे। तुम दैनिक भास्कर पेपर से बात करो और उसमें एक खबर छपवाओ कि सीआईडी कॉप्स शहर छोड़कर जा रहे हैं, सबको पता चल जाएगा। और स्टेशन पे वो लोग आंखें फाड़ के बैठे होंगे ये देखने के लिए कि हम लोग वाकई में जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, और वहां पर हम उन्हें पकड़ लेंगे। लगता है हमारी बोगी आगे। एसीपी साहब, चावड़ों के टुकड़ों ने जो जैसलमेर में हंगामा कर दिया ऐसा तो मैंने सपनों में भी कभी नहीं सोचा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी। अभी तो सिर्फ यूरेनियम मिला है, अभी असली आदमी मिला है। अगर कोई नहीं मिला तो वाकई स्टेशन से जाना पड़ेगा। ट्रेन में कौन सी बड़ी बात है, अगले स्टेशन पे उतर जाना। ये अगला स्टेशन है कितनी दूर? 200 किलोमीटर। जरा जल्दी चलना, गाड़ी छूटने वाली है, डब्बा आ गया अपना। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या कह रही है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा तो इतना लंबा घूंघट क्यों खींच रहा है? देख रही है पूरे स्टेशन पे तू ही घूंघट वाली। चल हटा दे इसको। नहीं नहीं नहीं। अच्छा चल जल्दी चल। यही है फ्रेडिक्स, कर देखो। यस सर। सर मैं आगे जाके। हां ठीक है। ये सवाल था पहला भाई। मुझे तो सब आदमी एक जैसे ही दिख रहे हैं, कोई अपराधी नहीं दिख रहा है। सीआईडी की आंख चाहिए उसके लिए, और दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग से? दिमाग से तो मैं किससे काम ले रहा हूँ? दिमाग से नहीं ले रहा हूँ। दिमाग से नहीं, आप किससे काम ले रहे हैं? यू हैव अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन लगता है आपको जाना ही पड़ेगा। लगता है टाइम हो गया। तू यहीं खड़ी रहना। ठीक है। पानी लेके आ। पर जल्दी आना। लगता है औरों की ट्रेन छूट जाएगी। इससे साथ कोई था ना? मैं देखता हूँ। माफ कीजिएगा, आपको ट्रेन में बैठना है ना? हाँ, तो फिर आपके साथ कोई था ना? हो। आपके पति थे? हाँ। तो आप बैठ जाए ना, आपके पति तो दौड़ कर बैठ जाए। हाँ।
मैडम ट्रेन छूट रही है, अब बैठ जाए प्लीज। दया कहाँ रहे? दया को कुछ नहीं होगा, दया होशियार है। बैठा है तो बैठ जाए, ट्रेन अभी चली जाएगी। चलिए चलिए आ गई है। सर क्या? सर जूते। एक मिनट रुको, कौन हो तुम? नहीं नहीं, घूंघट उतारो इसे। इसका घूंघट उतारो, घबराओ मत। नहीं उतारो घूंघट। सर प्लीज सर, घूंघट रहने उतारो घूंघट। ये तो जल्दी नीचे उतारो, सामान निकालो, गाड़ी छूट जाएगी। कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? मुझे नहीं मालूम। सच बता, कौन हो तुम? मुझे नहीं मालूम। बताओ किसने भेजा तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। जल्दी बता, छोड़ दो मुझे। बोलो कौन? जहाँ जहाँ सीआईडी जाती है वहां वहां खून होता है। किसने भेजा तुम्हें? किसने भेजा? मुझे नहीं मालूम किसने भेजा। बस नाम बता दो उसका। फोर्ट। फोर्ट किला? क्या क्या है किले में? किले में जो तोप है। हाँ हाँ, जो तोप है क्या है? क्या है उस तोप? तोप में, तोप में। हाँ तो बोलते मर गया। जोधपुर का किला में 25 तोप रखी हुई है। 25 तोप? हाँ 25 तोप है जोधपुर के किले पर। तो बोलेगा ही हुकम, तोप तो और कोई भेज सके, तोप के गोले होंगे,
लोहा होगा। मजाक का वक्त नहीं है सिसोदिया। दक्ष, दया को फोन करके पूछो वो आदमी पकड़ा गया है क्या। उसे सब कुछ मालूम होगा। यस सर। गोली मारी है, चुपचाप गन फेंकते हैं। नहीं फेंकूंगा, चुपचाप भाग जाए ऐसे। देखा नहीं, देखा नहीं उस आदमी को मैंने कैसे गोली मारी थी। मैं चुपचाप गन फेंकते हैं। भाग जाओ, भाग जाए ऐसे। नहीं तो मैं अपने आप को गोली मारूंगा भाई। हाँ सुधाकर, एसीपी साहब दया से बात करना चाहते हैं। अच्छा वो आदमी पकड़ा गया कि नहीं? हाँ वो पकड़ा गया, मैं दया सर को देता हूँ। ग्रेट सर। वो आदमी पकड़ा गया। पकड़ा गया? फैंटास्टिक। दया, वो आदमी जो स्टेशन पे मरा था, वो मरते मरते गन्स के बारे में बोल रहा था। जरा उससे पूछो ये गन्स का चक्कर क्या है। वहाँ ऊपर किले में जो गन्स है वहाँ पे क्या है बता, उन तोपों में क्या है? मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? दया, गोली मार दी क्या उसको? बता क्या है तोप में? हाँ बोल। दो शेर है गन पे। दो शेर? सर दो शेर के बारे में बता रहा है गन पे। गन पे दो शेर? सिसोदिया, किसी गन पर दो शेर बने हुए? जल्दी देखो कौन से गन पे है, जरा ध्यान से देखो। है क्या वहां पे? हाँ सर यही है। दया, वो दो शेर मिल गए। अच्छा यहाँ क्या छुपाया गया है पूछो उससे। क्या छुपा के रखा है वहाँ? एक चाबी है। कहाँ पे? पास में। पास में? सर, उस गन के पास में एक चाबी छुपा के रखी गई है। आसपास कहीं चाबी है? ढूंढो जरा। पर आज चाबी अट्टे क्यों छुपा रखी है? ये चाबी यहाँ से कोई उठा के लेके जाने वाला था और बीच में हम लोग पहुँच गए। ये चाबी हमें उस लड़की और यूरेनियम तक ले जाएगी। अंकल आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? बच्चों हम एक चाबी ढूंढ रहे हैं। वो चाबी यहाँ किसी गन में छुपा के रखी है। हम भी ढूंढे? तुम लोग ढूंढोगे? हाँ। तो चलो एक एक गन अच्छी तरह से ढूंढो। हाँ मुझे चाबी मिल गई। फैंटास्टिक। चाबी मिल गई। पूछो उसे क्या है ये, किस चीज की है ये? किस चीज की चाबी है वो? हाँ किस चीज की चाबी है वो? नहीं 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 बताऊंगा, मर जाऊंगा तब भी नहीं बताऊंगा। एक चाबी के लिए जान दे दी। नीचे कूद गया वो। डैमिट। मैं आपने एक बात बताऊं, यहाँ पास में एक छोटा सा म्यूजियम है, वहां से पता चल सकता है कि चाबी किस चीज की है। सिसोदिया साहब ने ठीक ही कहा था, आप सही जगह आए हैं। इस चाबी के बारे में लकीली इस किताब में लिखा है। देखिए साहब, इस चाबी की वजह से एक आदमी का खून हो गया है और दूसरे आदमी ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। ऐसा है क्या इस चाबी में? किस चीज की है ये चाबी? ये चाबी जिस ताले की है एसीपी साहब, हाँ। उस तरह के ताले पुरानी हवेलियों में लगाए जाते हैं। लेकिन पुरानी हवेलियां जोधपुर में है कहाँ? ठीक कह रहे हैं आप,
इस तरह के ताले जैसलमेर की पुरानी हवेलियों में लगाए जाते हैं। जैसलमेर की पुरानी हवेलियां? जी। तो ठीक है, जैसलमेर तो जैसलमेर ही सही, चाहे एक एक हवेली चेक क्यों न करनी पड़े, पर हम छोड़ेंगे नहीं, इस चाबी का राज ढूंढ कर ही निकालेंगे। चलो जैसलमेर। सुना है सीआईडी वापस जैसलमेर आ गई है, इसीलिए अब तो इसे वापस भेज दो। अरे वहां से इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाके बंद कर दे। क्या? लेकिन उस कमरे में तो ये मर जाएगी। अरे मर जाए तो मर जाए, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। सीआईडी को इसके बारे में पता चल गया है, मैंने इसे सिर्फ यूरेनियम लाने ले जाने के लिए रखा था। लेकिन जज साहब उनका तो ख्याल करो, वो भी तो मर जाए। अरे मरते मर जाए, चल। मगर मैं इसे नहीं उठा सकती हूँ, इसे उठाकर उस कमरे में कैसे रखूं मैं? ठीक है, मैं करता हूँ, तू खून साफ कर, चल। संभालो। किसी भी हालत में सीआईडी को नहीं पता चलना चाहिए कि लड़की कहाँ है, वरना सब मारे जाएंगे। किस हवेली की हो सकती है चाबी? भाई साहब, आपने इस तरह की चाबी देखी है? जल्दी जल्दी साफ कर, नीचे भी काफी खून पड़ा है। ये सीआईडी वाले कुत्ते जैसे हैं, इनकी निगाहों से कुछ नहीं बचता है। हाँ, सुना है उनको एक चाबी मिली है। पता नहीं कैसे मिल गई चाबी, पता नहीं कैसे मिल गई। पहले तो उस पुलिस वाले ने चावल पकड़ लिए और उन्हें भेज दिया एसीपी प्रद्युमन के पास, और ये एसीपी, इसे भी कुछ और काम नहीं है, बस मुंह उठाया और चले आया जैसलमेर। किस हवेली की चाबी हो सकती है ये? मैंने तो सुना है वो किसी को छोड़ते नहीं है। ये मुंह से बुरी बुरी बातें निकालने के पैसे देता हूँ क्या मैं, बेवकूफ? कैसे पकड़ लेगा वो मुझे, मैं भाग जाऊंगा। बस एक बार मुझे वो यूरेनियम मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। बचाओ, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं है। कुछ पता चला? नो सर। चलो दूसरी हवेली देखते हैं। वैसा क्या वथाड़ी सुखा आचा भी कौन सी हवेली की है? ये मने नहीं मालूम। इस तरह की चाबी देखी है आपने? बता सकते हो ये चाबी कहाँ की हो सकती? नहीं साहब, नहीं मालूम, नहीं मालूम। साहब वहां पर पता कीजिए। वहां पर? भाई साहब जरा आप ये देखिए, इस किस्म की चाबी देखी आपने कभी? ये तो उस हवेली की चाबी है, फर्नीचर वाली हवेली की चाबी है ये। फर्नीचर वाली हवेली? फर्नीचर वाली हवेली की। थैंक यू सर, उस आदमी ने देखते ही बता दिया था कि ये चाबी फर्नीचर वाली हवेली की है। एक चाबी ने सारे जैसलमेर में आग लगा रखी है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, जज साहब की बेटी यहीं काम करती थी। सर ऐसे कैसे हो सकता है, जिस जगह पे जज साहब की बेटी काम करती है ये चाबी वही की? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। लगता है सीआईडी वाले यहाँ पहुंच गए, अब क्या होगा? तू चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पे। सर यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़। दया, दरवाजा तोड़ दो। यस सर। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? जी, मैंने आवाज नहीं सुनी। इस चाबी को पहचानती हो? हाँ? ये चाबी इसी हवेली की? जी मुझे नहीं पता। चुपचाप बता दे। मुझे नहीं पता। अच्छा पता नहीं? हाँ। सर यहाँ पे खून पड़ा है सर। लड़की कहाँ है? कहाँ है लड़की? मुझे नहीं पता। पता नहीं यार, कहाँ है लड़की, जल्दी बताओ। बचाओ,
लड़की की आवाज है। कहाँ है लड़की? कहाँ है लड़की? जल्दी बताओ। चलो दिखाओ, दिखाओ। वहाँ पे? चलो दिखाओ। लेकिन सर, वहाँ पे कुछ और भी है। क्या हो सकता है यहाँ पे? ये देखो ताला, शायद ये चाबी इसी ताले की है। जरा लगा कर देखो। यस सर। खुल गया सर। यस, यही है वो। दया, दरवाजा खोल के देखो। ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे लगता है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरसी, न्यूक्लियर बॉम्ब। इसीलिए वो यूरेनियम चुरा रहे थे। हाँ। ये तो लड़की की चीख है। कहाँ है लड़के? हाँ सर, यहाँ से चीखने की आवाज आई है। देख, कहाँ है लड़की? बताओ कहाँ है लड़की? लड़की है? हाँ सर है। बचाओ, बचाओ। किसी के भागने की आवाज आई है। कोई भागा है? निशान यहीं पर गायब हो गए। यहां कुछ तो गड़बड़ है सर। कहीं वो सैंडविच छुप तो नहीं गया? हाँ, हो सकता है। इस तरफ आ जाओ, सैंड पे फायर करके देखो।
गोली मत मारना साहब, गोली मत मारना। यूरेनियम चुरा रहा था, बॉम्ब बनाना है। हमारे ऑफिसर को मारा, यूरेनियम चुराया। अब बताओ यूरेनियम तुम्हें कहां से मिला? सर थोड़ा यहां से आया, थोड़ा बाहर से आया सर। बॉम्ब कौन बना रहा था? सर मैं तो बॉम्ब बना नहीं सकता, लेकिन जो लोग बॉम्ब बना रहे थे उन सब के मैं नाम बता सकता हूँ सर। इस यूरेनियम षड्यंत्र में बाद में 50 लोग और गिरफ्तार किए गए और गांधारी सरकारी गवाह बन गई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.